नमस्कार, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। भारतीय सेना में रहकर 32 साल देश की सेवा करने के बाद पूर्व सैनिक प्रेम प्रकाश कोटनाल रुड़की में बच्चों को देश प्रेम और आर्मी डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूर्व सैनिक कोटनाल ने रुड़की में अपने घर पर ही एकेडमी खोल दी है। बच्चों में देश प्रेम पैदा करने की इस अनोखी पहल की हर ओर चर्चा हो रही है। पूर्व सैनिक प्रेम प्रकाश कोटनाल का ये घर किसी मिलिट्री एकेडमी से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाले युवा होते हैं, लेकिन प्रेम प्रकाश कोटनाल की इस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे हैं। घर में चल रहे इस एकेडमी में छोटे छोटे बच्चों को आर्मी की परेड और उनके नियमों की ट्रेनिंग मुफ्त में दी जाती है। प्रकाश कोटनाल के घर में चल रही एकेडमी में बच्चों को वो सभी चीजें सिखाई जाती हैं जिसकी ट्रेनिंग उन्हें स्कूल में नहीं मिल पाती। प्रकाश कोटनाल के मुताबिक इस ट्रेनिंग का मकसद बच्चों में संस्कार के साथ देश प्रेम की भावना और जीवन में डिसिप्लिन को भी बढ़ाना है। दरअसल प्रेम प्रकाश कोटनाल 32 साल आर्मी की सेवा के बाद कुछ दिनों पहले ही ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक प्रेम प्रकाश कोटनाल ने समाज सेवा के दौरान ये ठाना है कि वो आर्मी के अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को तैयार करेंगे ताकि बच्चों में देश प्रेम की भावना पैदा हो सके। कोटनाल के मुताबिक सैनिक कॉलोनी के घर में चल रही उनकी संस्कार चिल्ड्रन अकेडमी में वो 3 से 12 साल तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। बच्चों को अकेडमी में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे भविष्य में वो बेहतर आर्मी अफसर बनकर देश की सेवा कर सके। इनके अंदर जोश है बच्चों के अंदर। तो देखिए, आजकल के टाइम के अंदर बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिजी हैं, टीवी में ज़्यादा बिजी हैं, तो जो उनको संस्कार मिलना चाहिए, जो स्कूल से उनको संस्कार मिलने चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे अंकल जी ने अपना एक तजुर्बा दिया है आर्मी का, जो रिटायर हैं अंकल हमारे। शुरुआत में इस एकेडमी में सिर्फ कॉलोनी बच्चे ही आते थे, लेकिन अब अन्य जगहों से भी बच्चे यहां आने लगे हैं। कोटनाल की सैनिक कॉलोनी के लोग भी कोटनाल की इस सेवा भाव से गदगद हैं और उन्हें हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। बच्चे आज अपने इंटरेस्ट इसके प्रति दिखाते हैं कि उन्हें अपने पेपर की भी कोई चिंता नहीं रहती। बहुत अच्छी शुरुआत है उनकी। पीपी कोटनाला जी पहले भी देश के लिए काम कर चुके हैं, सभी को पता है, और आज ये कॉलोनी में जो काम कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं देश के लिए ही हो रहा है। प्रेम प्रकाश कोटनाल ने कम संसाधनों में बच्चों में देश प्रेम और आर्मी की डिसिप्लिन सिखाने का बड़ा बीड़ा उठाकर ये साबित कर दिया है कि रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अगर किसी चीज को ठान ले और ईमानदारी से उस काम में जुट जाए तो सफलता उसके कदम चूमती ही चूमती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।